नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर त्यागी और आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है द लग्जरी रियलिटी। अब आज मैं आपको जो लोकेशन पे लेके आया हूँ, बेसिकली ये एक लग्जरियस कंसेप्ट है और इसकी जो लोकेशन पड़ती है, आप मेरे पहले बैक साइड पे देखिए, एक बार ही दिखाइए पहले। हाँ जी, अब आपने एक बार लोकेशन देख ही ली। लोकेशन के बारे में मैं आपको ब्रीफ करूं तो ये सेक्टर 127 पड़ता है आपका खरड़ के अंदर। लोकेशन के बहुत प्रीमियम सेगमेंट क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये बिल्कुल हाईवे की लोकेशन है। आप हाईवे से ही एंटर कर रहे हैं, हाईवे से ही एग्जिट कर रहे हैं। दो हमारी एंट्री और एग्जिट रहेगी। आसपास के फीचर्स स्कूलिंग के ऊपर आते हैं हम। गिलको इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में है, डीपीएस स्कूल बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में है। हॉस्पिटल के पास आते हैं, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में है। कॉलेजेस की बात करूं, सीजीसी खरड़ और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में है। अगर जो आप वर्किंग है या कहीं रेंटल दे रहे हैं अपना, तो आप इस लोकेशन में, मान लीजिए आपका आईटीसीटी है, आईटीसीटी भी आपका 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में, जो मोहाली आईटीसीटी बहुत बड़ा एक कैंपेन आ रहा है हमारा और वो आ भी चुका है। बेसिकली इंडस्ट्री एरिया सारा का सारा इस लोकेशन में पड़ता है। तो जो कस्टमर्स हमारे रेंटल दे रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये, वो बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं। 2 BHK 3 BHK का कंसेप्ट में आए हैं। तो बेसिकली ये लोकेशन वो है, इसे कहा जाता है खरड़ लांड्रा लोकेशन। कंसेप्ट बहुत प्रीमियम है। प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, प्रोजेक्ट के इस टाइम हम बिल्कुल अपने मिडल में खड़े हुए हैं। आप मेरे बिल्कुल बैक साइड पे देख सकते हैं, 11,000 स्क्वायर फिट का क्लब हाउस, बच्चों के लिए क्रेच एरिया, पार्क में हम खड़े हैं, 3 से 4 पार्क आप इसी तरीके से देख सकते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट मेरे पीछे है, टेनिस कोर्ट मेरे पीछे है। क्लब के अंदर की फैसिलिटीज की बात करूं तो क्लब में आपका गेट टुगेदर के लिए क्लब हाउस है, जिमनेजियम है विद ट्रेनर, आपका स्विमिंग पूल रूफ टॉप के ऊपर है, बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है, डांस क्लासेस के लिए अलग है, योगा मेडिटेशन के लिए अलग चीज है। तो आप ये देख सकते हैं कि आउटसाइड की एक्टिविटी और इंटरनल एक्टिविटी दोनों के दोनों बिल्कुल अलग है। कंसेप्ट क्या है, 2 BHK स्टोर प्लस सर्वेंट रूम, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट अलग रहेंगे। 3 BHK का कंसेप्ट अलग रहेगा, 2 BHK का अलग रहेगा। पोजेशन जो है हमारी, पोजेशन 4 से 5 महीने में स्टार्ट होने वाली है और मैक्सिमम 1 साल तक जाती है। एरियाज हमारे अप्रॉक्स 1300 स्क्वायर फिट, 1250 स्क्वायर फिट और आपका 1550 स्क्वायर फिट के अंदर हमारे 3 BHK आ रहे हैं। स्टार्टिंग प्राइस अगर जो मैं आपको बात करूं, 45,90,000 से लेके 55,90,000 तक, ये हमारे कंसेप्ट यहाँ आ रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करके अब हम चलते हैं एक बार अपने सैंपल फ्लैट के पास, तो आपको एक बार सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ, या उससे पहले एक बार आपको क्लब के फीचर्स दिखाता हूँ। आइए चलते हैं। इंडोर्स एक्टिविटी के लिए मैं सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर पे ले गया हूँ। आप इंडोर्स गेम्स की सारी एक्टिविटी देख सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। अब चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर। ये अब हमारा आ गया फर्स्ट फ्लोर। इसके अंदर जिमनेजियम का आप जितना भी आप कंसेप्ट देख रहे हैं, हमारे वर्किंग आवर रहते हैं मेंस के और वुमेन्स के दोनों अलग रहते हैं। वॉशरूम्स की फैसिलिटी आपको यहाँ दी हुई है हर एक फ्लोर पे, प्लस आपको लिफ्ट प्रोवाइड करी गई है। अब चल रहे हैं हम अपने सेकेंड फ्लोर पे। अब हम आ चुके हैं अपने रूफ टॉप पे। रूफ टॉप में आप स्विमिंग पूल देख सकते हैं, बच्चों का अलग रहेगा और बड़ों का अलग रहेगा। ये आपके आगे चेंजिंग रूम, चारों तरफ देखिए बिल्कुल सोसाइटी का है और इधर व्यू देखिए, मतलब सेपरेशंस बिल्कुल अलग बनाई गई है। तो अब हम चल रहे हैं बेसिकली अपने सैंपल फ्लैट की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने सैंपल फ्लैट के व्यू पे। 1550 स्क्वायर फिट का सैंपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्टली अभी हम अपने स्ट्रीट पार्किंग में खड़े हैं। यह आपकी पार्किंग आ गई है। फ्रंट में रोड आ जाएगी, आपको बाउंड्री वॉल हमारी बन रही है, आप देख रहे हैं। अंदर एंटर होते ही ग्लास एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया आ जाएगा सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस के साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ। 2 लिफ्ट आ जाएंगी। अब हम चल रहे हैं एक बारी फ्लोरिंग। अब एक फ्लोर पे हमारे 4 फ्लैट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 राइट हैंड साइड पे। बीच में आप लॉबी का साइज देखिए, लॉबी कितनी बड़ी है। स्टेयर केस से अभी हम आए हैं। 2 लिफ्ट आ गई आपकी स्टार्टिंग में। शाफ्ट प्लंबिंग एरिया भी हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ताकि अगर जो कोई घर में टूट फूट हो तो बाहर से बाहर ठीक हो जाए। फ्लैट आमने सामने। एंट्री करते ही सबसे पहले पोर्च एंट्री, 8 फिट का तकरीबन आप ये देख सकते हैं गेट लगा हुआ है। आइए अंदर आइए। अंदर आते ही सबसे पहले हम अपने ड्रॉइंग एरिया के अंदर आ रहे हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं एल शेप है,
एल शेप का प्रॉफिट क्या है कि साइज बहुत अच्छा खुला डिल्ला निकलता है। अब मैं आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट बेडरूम में लेके चलो, ये हमारा फॉयर एरिया हो गया, ताकि आप अगर जो कि सजाना चाहें या कोई भगवान की मूर्ति रखना चाहें तो रख सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम में कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले वॉशरूम आप देखें, आ जाइए। प्रेवेयर की हमारी फिटिंग्स है, अभी ये सैंपल रेडी हो रहा है, तो अभी आपको थोड़ा बहुत यहाँ लाइट की प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम में, फर्स्ट बेडरूम के साथ भी आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट बालकनी, यूपीवीसी के डोर रहेंगे, मैच डोर्स रहेंगे, आपके ग्लास डोर्स रहेंगे, फ्रंट बालकनी। ये बालकनी मैं आपको सेकंड बेडरूम से दिखाऊंगा, आइए। जैसे कि हम स्टार्टिंग में ड्राइंग डाइनिंग में आए थे, ड्राइंग एरिया आप देख सकते हैं, एलईडी पैनल जैसे लगा हुआ है, आपको बताया हुआ है कि आप इसे कैसे स्टार्ट तैयार कर सकते हैं अपना इंटीरियर। ड्राइंग एरिया आप देख सकते हैं, ड्राइंग एरिया के बिल्कुल साथ में ही हमारा किचन। गैस पाइपलाइन का प्रोविजन हम दे रहे हैं, हैट्रिक्स की फिटिंग बेसिकली। अगर जो आप चाहें, इसके अंदर दो ऑप्शन रहेंगे कि आपको यूनिट्स लेनी है या नहीं लेनी, वो जब आप डील करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर एक्सक्लूसिव ऑफर क्या क्या चल रहे हैं। यूटिलिटी बालकनी आपकी आगे, आप यूटिलिटी बालकनी भी देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुली डुली है। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, हमारा ये आगे है सेकंड बेडरूम, इसे चिल्ड्रन बेडरूम कह लीजिए, जैसे भी आप इसे तैयार करना चाहें वैसे। अब इसी के साथ साथ सनलाइट के प्रोविजन के लिए आपको विंडो प्रोवाइड करी गई है। जो बालकनी मैं आपको कह रहा था वो फर्स्ट बेडरूम के साथ भी, आइए, फर्स्ट बेडरूम के साथ, ड्राइंग डाइनिंग के साथ, सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टिविटी एक ही बालकनी की आपकी रहेगी, 6x25 की यह बालकनी रहेगी। अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट बेडरूम में, मास्टर बेडरूम के अंदर इस टाइम हम आ चुके हैं। वॉशरूम, वॉशरूम के साथ आपको मास्टर बेडरूम का साइज देखिए, 6x6 का बेड तैयार होने जा रहा है। इसके साथ सर्कुलेशन एरिया कितना प्यारा है, साथ के साथ आपको एक बालकनी। तो दोस्तों ये था हमारा एक 3BHK का कंसेप्ट, यहाँ 3BHK भी है, 2BHK भी है, सर्वेंट आपको प्रोवाइड किया, सर्वेंट रूम प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टोर प्रोवाइड करा जा रहा है, कुछ यूनिट्स हमारे पास ऐसी अवेलेबिलिटी है। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कि आपका कोई रिलेटिव या दोस्त आपकी वीडियो अपना फ्लैट्स वगैरह सर्च कर रहा हो, और दिए हुए नंबर पे प्लीज कॉल करिएगा अगर जो आपके विजिट का प्लान हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।